सीबीएसई बोर्ड द्वारा आज कक्षा 12वीं का परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया गया। परीक्षा परिणाम घोषित होने के बाद स्कूलों में चहल पहल दिखाई दी। आपको याद दिला दें कि पिछले 2 साल से कोरोना काल के चलते स्कूल जहां बंद है, वहीं आज रिजल्ट आने के बाद स्कूलों में चहलकदमी दिखाई दी। कारण था सीबीएसई द्वारा रिजल्ट घोषित करना। रिजल्ट घोषित करने के बाद बच्चे खुशी से उछल पड़े और स्कूलों में मिठाइयाँ लेकर अपने शिक्षकों के पास पहुँचे। मेरा नाम आश मोहम्मद है, मैं वनस्थली पब्लिक स्कूल का छात्र हूँ। मैंने इस साल 12th की और मैंने 99% अंक प्राप्त किए। मैं साइंस स्ट्रीम से हूँ और मैं फ्यूचर में एक NDA ऑफिसर बनना चाहता हूँ। मैंने अपना 12th अपीयरिंग था अभी, मैंने अपना रिटर्न भी क्लियर कर दिया था NDA का, बट मैं इंटरव्यू में रह गया। 12th के परसेंटेज का श्रेय अपने घर वालों को और अपने टीचर्स देना चाहूँगा। हमने कभी भी ये नहीं सोचा कि पेपर होंगे कि नहीं होंगे। हमने मेहनत की, हम मेहनत करते थे और हम पेपर होते, हम जब भी इतने ही परसेंट आते हमारे। मेरे पापा एक मिस्त्री है कंस्ट्रक्शन के, और घर परिवार से सभी अच्छा सहयोग रहता है सबका। सब भाई बहन मेरे से बड़े हैं और सभी पढ़े लिखे हैं। आज 12th का रिजल्ट आया, कौन सी स्ट्रीम में थे और कितने परसेंट आपके मार्क्स आए? मैं साइंस स्ट्रीम में थी, PCM, और 95.8%। अच्छा बेटा, कैसे तैयारी की आपने जैसे पैंडेमिक सीजन चला हुआ था, और आगे की क्या फ्यूचर प्लानिंग है? सर, ऑनलाइन ही पढ़ाई की थी सारी, और आगे की मुझे BSc करनी है। किसको श्रेय देते हैं इस चीज़ का? सबसे पहले तो पेरेंट्स को अपने और फिर प्रिंसिपल सर और सारे टीचर्स। सर, मेरा नाम छवि जैन है एंड मैं जे पब्लिक स्कूल से पढ़ी हूँ। स्टार्टिंग से ही नर्सरी से 12th मैंने जेपी पब्लिक स्कूल से ही किया है। तो बेटा, जैसे आज 12th का रिजल्ट आया, कितने परसेंट आपके मार्क्स आए और किस तरह से तैयारी की? सर, मेरे आज 95.4% आए। कॉमर्स स्ट्रीम थी मेरे पास विद मैथ्स, एंड ऑब्वियसली पढ़ाई तो ऑनलाइन ही किया स्टार्टिंग से ही, क्योंकि कोविड की वजह से स्कूल तो खुल ही नहीं पाए थे, तो इसीलिए सभी टीचर्स ने ऑनलाइन ही पढ़ाया है स्टार्टिंग से ही। तो पढ़ाई सारी ऑनलाइन ही की है, प्रिपरेशन सब कुछ ऑनलाइन ही चली है, एंड टेस्ट सीरीज भी हमारी ऑनलाइन ही हुई थी। तो बीच में जैसे अब स्कूल ओपन हुए थे तो उस टाइम पे फिर बीच में थोड़ा स्कूल में आए थे जब टीचर्स ने रिवाइज कराया था सारा, तो इस तरह से हमारी सारी पढ़ाई रही थी। फ्यूचर के लिए क्या प्लानिंग है और सफलता का श्रेय किसे देते हैं? सर, फ्यूचर में तो मुझे चार्टर्ड अकाउंटेंसी करनी है। मींस चार्टर्ड अकाउंटेंट में मुझे पूरी इंडिया का लेवल टॉप करना है, मतलब रैंक लानी है चार्टर्ड अकाउंटेंसी में। ऑब्वियसली मेरी सक्सेस जो भी है वो सारी टीचर्स एंड फैमिली की वजह से ही है। फैमिली ने इतना सपोर्ट किया है और टीचर्स ने जितना पढ़ाया आज तक, सब कुछ वो यही काम आने वाला है, तो इसीलिए सब पूरा मेरी जो सक्सेस है उसका क्रेडिट सारा मेरे टीचर्स एंड फैमिली को जाता है। सर, मेरा नाम विधि नैन है, मैं JP पब्लिक स्कूल में पढ़ती हूँ और आज 12th CBSE का रिजल्ट आया है। मेरे 95.6% आए हैं। मैंने होल ईयर प्रिपेयर किया था लेकिन कोविड के टाइम की वजह से एग्ज़ाम नहीं हो पाए, बट जो CBSE ने एक डिवाइस किया था जो मेथड हमें मार्क्स देने का, सो दैट इज़ वेरी गुड एंड आई हैव स्कोर नॉट द एक्सपेक्टेड मार्क्स, बट या आई एम हैप्पी विद दैट मार्क्स एंड आई हैव एक्चुअली CBSE गिवन द opportunity to improve the marks, so I'll think about that, but yeah, I'm satisfied with that mark. I want to graduate and then I want to prepare for civil services for UPSC. I want to prepare. Shiva Tomar, मैं वनस्थली पब्लिक स्कूल में पढ़ता हूँ और 97% नंबर आए मेरे। मैंने जो इस टीचर्स ने हमारे ऑनलाइन पढ़ाया और थोड़ा यूट्यूब से भी मदद ली, गूगल से भी ली, और घर पे भी सेल्फ स्टडी करता रहा। अभी क्या बनने का? अभी मैं CA करने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरा नाम नव्या जैन है। मैं कहाँ पढ़ते हो और कौन सी परीक्षा दी अभी? मैंने अभी 12th की परीक्षा दी और मैं वनस्थली पब्लिक स्कूल में पढ़ती हूँ। कितने परसेंट आए हैं? मेरे 85% आए हैं। मैंने अभी एग्ज़ाम हमारे पोस्टपोन हो गए हैं, भले ही हमें ऐसे जो है पास कर दिया है, बट तैयारी पूरी की हुई थी एग्ज़ाम की। जो एग्ज़ाम नहीं हुए वो कोरोना की वजह से नहीं हुए, बट आगे जो है CS करने का मन है और अब जो है अपनी CS की क्लास शुरू कर दी है मैंने। मैं अपने पेरेंट्स को देना चाहूँगी, अपने मम्मी पापा को और जो मेरे टीचर्स हैं और जिन्होंने हमें इतना अच्छे तरीके से पढ़ाया है और आगे हम इतने कामयाब हुए हैं। मैं अपने पेरेंट्स और टीचर को पूरा श्रेय देना चाहूँगी। प्रिंसिपल JP पब्लिक स्कूल डेली रोड ब्रॉत, एंड टुडे आई एम वेरी हैप्पी टू अनाउंस द रिजल्ट ऑफ CBSE ऑल इंडिया सीनियर स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन सेशन 2021. And in our school, I'm very happy to say that in our school, total students were enrolled were 122 in number, and all the students 122, they all are pass.
and the highest number has been scored by Vidhi Nayan. She is a science student. She got 95.6%, followed by Ketan Rana, who scored 95.4%, also a science student. Then Akash Goyal, he got 91%. Mahima Chaudhary, she scored 93.8%. Then another girl, Jyoti, she also scored 93.8%. And another boy, Siddhant, who also appeared for IIT and cleared IIT mains, he got 92.8%. And then we have from Commerce branch, we have got Chavi Jain. She scored 95.4 and she is the topper, followed by Tushar Jain, who scored 94.2 in Commerce section. And in Humanities section, where we have Political Science, History and English, Hindi, in that Anuj child, he got 92.2%. नहीं, हमें CBSE की तरफ से पूरी directions मिली हुई थी, उन्होंने policy बनाई हुई है, उसी policy के अंतर्गत ये result तैयार हुआ है. उसमें 30% बच्चों के 10th marks रखे गए, 30% उनके 11th class के marks रखे गए और 40% उनके 12th class के marks रखे गए. तो इसी basis के ऊपर हमने बच्चों को assess किया है. जो CBSE के rules and regulations थे, जो उन्होंने policy, tabulation policy बनाई थी, उसी पॉलिसी के अंतर्गत हमने बच्चों को मार्क्स स्कोर करवाए. हाँ, मेरा नाम हर्षित जैन है. स्कूल खुलने की जो संभावना लग रही है, ऐसा लग रहा है कि शायद अगस्त में जाके स्कूल खुल जाएं, क्योंकि अब थोड़ा सा लगता है कि माहौल ठीक होता जा रहा है. कई स्टेट्स में स्कूल खुल भी चुके हैं ऑलरेडी, और गवर्नमेंट से तो हम यही कहते हैं कि स्कूल खुल जाएंगे तो कुछ अच्छा रहेगा, क्योंकि 9 to 12 के जो बच्चे हैं उनको एक प्लेटफॉर्म मिल जाएगा पढ़ाई का, जो घर पे वो प्रॉपर नहीं कर पा रहे हैं तैयारियां. तो हम तो गवर्नमेंट से यही मांग करते हैं कि स्कूल अगस्त में खोल दिए जाएं. आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि थर्ड वेव आने वाली है. मैं तो गवर्नमेंट से ये कहूँगा कि अगर ऐसा लगेगा बाद में कि थर्ड वेव बहुत ज़्यादा लेवल पर आ चुकी है, तो फिर स्कूल से एक बार फिर दोबारा चाहे बंद करने की आवश्यकता होगी तो फिर बंद कर देने चाहिए. लेकिन फिलहाल जैसे अभी सब चीज़ें खुल चुकी हैं, केवल एक एजुकेशन ही सेक्टर है जो अब तक नहीं खुला है, तो वो अगर खुल जाए तो बहुत बेहतर रहेगा. विक्रम सिंह दानी, प्रिंसिपल लॉर्ड महावीर अकेडमी. सर, आज 12th CBSE बोर्ड का रिजल्ट आया है, किस तरह से परफॉर्मेंस रही है स्कूल की और बच्चों की? स्कूल की परफॉर्मेंस 100% रिजल्ट रहा है. साइंस के बच्चों का 95.8 रिजल्ट रहा है, और कॉमर्स के बच्चों का, दूसरी स्ट्रीम हमारी कॉमर्स रही है, उसमें 94.8 रहा है. सर, कितने बच्चे एनरोल थे और टॉपर कौन रहे अपने यहाँ? टोटल हमारे जो है 44 स्टूडेंट रहे हैं, और 31 बच्चे साइंस में और 13 बच्चे कॉमर्स में. साइंस में जो है बच्चा आकांक्षा गुप्ता टॉपर रही है, और कॉमर्स में भव्य जैन टॉपर रहा है. बोर्ड ने जिस ढंग से जो है मापदंड रखे हैं, गाइडलाइंस और क्राइटेरिया बनाया है, वो वाकई जो है सराहनीय. CBSE बोर्ड ने बच्चों के मूल्यांकन के आधार पर उनका परीक्षा परिणाम घोषित किया है, जिसके कारण सभी बच्चे खुश नजर आए. अमित शर्मा, जनवाणी न्यूज, बड़ौत, बागपत. Thank you.